अस्सलाम वालेकुम जिमीदार हजरात। ये जो पहले भी हम डिस्कस करते रहे हैं कि हम मामला जो काटन की क्रॉप में मुख्तलिफ मसाइल आएंगे उसके हवाले से हम डिस्कस करते रहेंगे, तो आजकल एक दो न्यू प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। पहले नंबर पे गुलाबी सुंडी का, दूसरे नंबर पे अमेरिकन सुंडी का। क्योंकि अमेरिकन सुंडी जब से बीटी आई है, अब अगर अटैक कर रही है 3 to 4 ईयर से, तो वो भी फ्लावर के अंदर ही अटैक कर रही है। उसमें हमने ये देखना है कि इसमें डिफरेंस करना, क्योंकि इसमें अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है रिकमेंडेशन में कि अमेरिकन सुंडी का हमला है, और लोग समझ रहे होते हैं कि गुलाबी सुंडी का हमला है। वो दो बार रिपीट भी कर बैठते हैं, लेकिन वो सुंडी कंट्रोल नहीं हो रही होती। इसी तरीके से अगर गुलाबी का हमला है, तो हम अमेरिकन समझ के उसका स्प्रे कर देते हैं, तो वो कवर नहीं हो रही होती। इसका ये फ़र्क देख लें थोड़ा सा। ये फ्लावर है, ये फ्लावर के अंदर आपको पत्ती के अंदर सुराख नज़र आएगा, साइड वाली सफेद वाइट पत्ती के अंदर। और इस पत्ती के अंदर सुराख नज़र आने के बाद जो अगला मसला नज़र आएगा इसके अंदर, वो सुंडी बैठी होगी अंदर। फूल खुला हुआ होगा, ठीक है। इसका फ्लावर खुला हुआ है और सुंडी अंदर बैठी है, और पत्ती के अंदर सुराख है। इसका मतलब है ये अमेरिकन का हमला है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम गुलाबी का हमला देखेंगे, तो वो बंद होगी, वो पत्तियां बंद होंगी, लेकिन पत्ती के अंदर सुराख नहीं होगा। वो चूँकि अंदर खुल के दाखिल होने के बाद, उसके बाद ही उसको कवर करती है, बंद कर लेती है उसके अंदर, फिर उसे खाना शुरू करती है। तो इसको काइंडली जब भी रिकमेंड करें अमेरिकन सुंडी का या गुलाबी सुंडी के हवाले से, इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आप उस क्रॉप के हवाले से जो है मेन रिकमेंडेशन करें, कि जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये ना हो कि हमारा मसला भी ना हल हो और हम स्प्रे भी इजाफी तौर पर कर सकें। थैंक यू जी, शुक्रिया।